कनाडा के पीएम ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत के खिलाफ चला नया पैंतरा। बोले, भारत को कई हफ्ते पहले दिए थे सबूत। नमस्कार, स्वागत है आपका N27 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संजीवनी चौधरी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत के खिलाफ नया दाव चला है। ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा ने कई हफ्ते पहले ही नई दिल्ली के साथ इस बात के सबूत साझा किए थे कि ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट संभावित रूप से शामिल थे। आपको बता दें कि ट्रूडो ने ओटावा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कनाडा ने उन विश्वसनीय आरोपों को भारत के साथ साझा किया है जिनके बारे में मैंने सोमवार को बात की थी। हमने कई सप्ताह पहले ही भारत के साथ खुफिया इनपुट साझा किए थे। कनाडाई पीएम ने कहा कि हम भारत के साथ रचनात्मक रूप से काम करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि वे हमारा सहयोग करेंगे ताकि हम इस बेहद गंभीर मामले की तह तक पहुंच सकें। बताते चलें कि पीएम ट्रूडो ने सोमवार को कनाडाई संसद को संबोधित करते हुए बिना कोई सबूत पेश किए आरोप लगाया था कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में जून में हुई खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत के सरकारी एजेंट शामिल हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और इसे बेबुनियादी और राजनीति से प्रेरित बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कनाडाई सरकार एक महीने से खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या की जांच कर रही है। जांच के दौरान मानव और सिग्नल दोनों तरह की खुफिया जानकारी जुटाई गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खुफिया जानकारी में कनाडा में मौजूद भारतीय अधिकारी की बातचीत शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5i गठबंधन में शामिल एक सहयोगी द्वारा कुछ जानकारी प्रदान की गई थी। बता दें, 5i ग्रुप खुफिया जानकारी साझा करने वाला एक नेटवर्क है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। वहीं इससे पहले भारत पर लगाए गए आरोपों के सबूत मांगे जाने पर कनाडाई पीएम न्यूयॉर्क में UNGA के दौरान ग्लोबल जवाब देते हुए नजर आए थे। इस दौरान ट्रूडो ने रोबोटिक अंदाज में भारत से सहयोग की मांग दोहराई थी। उधर सबूत पेश करने का दबाव पड़ने पर कनाडाई न्यूज चैनल CBC ने खुफिया एजेंसी के हवाले कहा कि उनके पास मानवीय और निगरानी संबंधी सबूत मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारत कनाडा विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा था कि हमें उपलब्ध कराई गई किसी भी विशिष्ट जानकारी पर गौर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हमें कनाडा से कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है, जबकि हमारी ओर से कनाडा में रहकर कुछ लोगों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों के बारे में विशिष्ट सबूत कनाडा के साथ साझा किए गए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई। बताते चले कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित किया था और उस पर 10,00,000 रुपए का इनाम भी था। जून 2023 में कनाडा में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में कनाडाई पुलिस ने कहा था कि निज्जर को दो हमलावरों ने गोली मारी थी। निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद भी अब तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। अभी के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे ऐसी बड़ी खबरों के साथ N27 न्यूज पर, पकड़ हर खबर पर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।